चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा त्रिकोणीय मुकाबले में उलझ गई है। यहां से भाजपा के नरपत सिंह राजवी, कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जाड़ावत व भाजपा के बागी चंद्रबान सिंह आकिया तीनों ही चित्तौड़गढ़ से दो दो बार विधायक रहे हैं। यह चुनाव इस बार भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। भाजपा के बागी के कारण इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत की राह कुछ आसान हो गई है। वहीं विधायक आक्या के बागी होने के बाद उनके पक्ष में लगातार मजबूती से खड़े हजारों समर्थकों ने भाजपा नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। यहां भाजपा स्पष्ट रूप से दो खेमों में बंट गई है, जिसमें से एक खेमा तमाम दबावों के बावजूद बागी विधायक आक्या के पक्ष में खड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पिछली दो बार से लगातार सांसद है, तो वहीं चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से चंद्रबान सिंह आक्या भी यहां दो बार से लगातार विधायक हैं। जोशी व आक्या के अलग अलग गुट बने हुए हैं। विधायक रहते हुए आक्या ने पिछले 10 सालों में स्वयं को काफी मजबूत कर लिया। प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद जोशी सीधे तौर पर विधायक आक्या को किनारे नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में संयोग से परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि चित्तौड़ में पार्टी के केंद्रित नेतृत्व ने विधायक आक्या का टिकट काट दिया। उनकी जगह नरपत सिंह राजवी को टिकट दे दिया। राजवी और आक्या दोनों ही क्षत्रिय समाज से हैं। आक्या को राजनीति में आगे बढ़ाने का श्रेय भी राजवी को ही दिया जाता है। जब वे चित्तौड़ से विधायक बने थे, उन्होंने आक्या को पार्टी में विभिन्न पदों पर मनोनीत करा आगे बढ़ाया था। पहले सभी सोच रहे थे कि आक्या के बागी तेवर शांत हो जाएंगे, वे राजवी के सामने नामांकन नहीं भरेंगे। जब आक्या ने नामांकन भरा तो यह सोच बनी थी कि वे अपना नामांकन वापस ले लेंगे, लेकिन आक्या का मजबूती से चुनाव मैदान में है। उन्हें स्थानीय स्तर पर अच्छा खासा जन समर्थन भी मिल रहा है। वहीं राजवी के साथ भी पूरी पार्टी खड़ी है। पुराने संपर्कों का लाभ भी उन्हें मिल रहा है, लेकिन भाजपा के ही मतों का विभाजन इन दोनों के बीच में हो रहा है। अब विधायक आक्या बागी हुए तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। अगर आक्या या चुनाव हार जाते हैं तो चाहे कांग्रेस के जाड़ावत जीते या भाजपा के राजवी, आक्या का कमजोर होना तय है। ऐसे में यह चुनाव उनके वजूद को जिंदा रखने के लिए होगा।